ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਅਮਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਯੂ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਆਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਮ ਹੈ ਹਮੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਆਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਟੀਚਰ एंड आई एम सो आई एम अ फिटनेस ट्रेनर यू कैन से फुल टर्म आई एम अ फिटनेस ट्रेनर आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूँ जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड आपको सिर्फ अंदर से तैयार होना है बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो नाउ लेट्स स्टार्ट आज हम लोग वार्म अप को कवर कर रहे हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप अगर आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज शुरू करते हो तो मसल में इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से वर्कआउट में जा रहे हो इट मे बी योगा इट मे बी जिम इट मे बी एरोबिक्स आप कुछ भी करो पहले आपको अपने बॉडी पार्ट को वार्म अप देना एक्टिवेट करना जरूरी है जब भी आप किसी भी एक्टिविटी में जा रहे हो ये हमें हमसे वार्म अप को कवर करेंगे सुनाओ लेट्स स्टार्ट वन सेकेंड सुनाओ फर्स्ट विल रेज अवर बॉडी टेम्परेचर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आपको बॉडी टेम्परेचर रेज करना है नॉर्मली जब भी आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो यू फील लाइक लेजी वन बट यहाँ पे आपको एक्टिव होना है एंड आपको सबसे पहले काम करना है आपको बॉडी टेम्परेचर रेज करना है उसके लिए स्टार्टिंग मूवमेंट करनी है टाइट टाइट मूवमेंट लाइक दिस टेक अ नी आउट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स फॉर फाइव सेकेंड्स देन स्टार्ट जंपिंग लाइट लाइट जंपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sure relax for 5 seconds 5 seconds complete hote hi now to joints first temperature first thing there is a body temperature second thing work upon your every muscle and every joint main term mein joints ko cover karti jo bhi hum log warm up complete karte hai so chalo usse start karte hain so first feel kar ankle joint So now lift your knee up, rotate your ankle 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise direction like this. Complete 5 and do same with the opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5. Down. First, now second one is knee joint. क्योंकि जब भी इंजरीज का चांस होता है वो नीज मतलब जॉइंट्स पे जरूरी होता है आपको वार्म अप करना तो नेक्स्ट वी मूव टू नी जॉइंट रोटेट योर नी 10 टाइम्स 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 अप नेक्स्ट वन यू डू हिप रोटेशन नॉर्मल लोग हिप रोटेशन कर लेते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मोस्ट लोग मिस कर जाते हैं दैट्स हिप जॉइंट रोटेशन आपको हिप जॉइंट को रोटेशन देना भी वार्म अप देना बहुत जरूरी है जब भी आप वर्कआउट करो जिसमें लेग्स का यूज हो रहा है स्टार्ट टेक योर नी सेंटर टू साइड लाइक दिस 5 टाइम्स दिस इज हिप जॉइंट रोटेशन 1 2 3 4 and 5 नाउ सेम विद द ऑपोजिट 1 2 3 4 5 Next one out to in same opposite 1 2 3 4 5 Change 1 2 3 4 5 Now we'll move to hip Next one do 5 clockwise hip rotation 5 anti clockwise So now start 1 2 3 4 5 Reverse 1 2 3 4 5 With smile ये मेरा rule है कि जब भी आप exercise कर रहे हो smile के साथ करो चलो next one do shoulder rotation 5 clockwise 5 anti clockwise stand straight rotate your shoulder 5 clockwise 5 anti clockwise keep your arm straight while you're taking your arms up now 1 2 3 4 5 Reverse 1 2 3 4 5 Now neck breathing take the neck up breathe out down breathe in up breathe out down do it 3 times up and down
एक चीज जो सबको ध्यान रखनी है, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है तो आप किसी भी एक्सरसाइज में चिन टू चेस्ट टच नहीं करोगे। अगर ये करोगे सर्वाइकल का इशू इंक्रीज हो जाएगा। सो फर्स्ट जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज या वार्म अप कुछ भी कर रहे हो, अपने लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज हर एक इंसान के लिए होती है। अगर कोई भी मूवमेंट देने से आपका इशू इंक्रीज हो रहा है तो यू नीड टू बी ईट और देन यू नीड टू अवॉइड दैट मूवमेंट, और इसका ध्यान आपको खुद रखना है। सो नाउ नेक्स्ट वन, मूव योर नेक टू साइड, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स डन। सो नाउ नेक्स्ट वन, ब्रीदिंग, टेक योर राइट हैंड टू लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, now relax. Next one, take your hands over your vest. Now breathing, get back as much as you can go. Breathe out, move forward. In this position, look straight and try to keep your hip back straight. Don't make it like this, just keep it straight and look up. Now again, breathe in and breathe out. Do it 5 times. 3, 4, 5, and now last but not the least, breathing, take your hands up, come over your toes, breathe out, touch down. You'll do it 4 times, 2, down, 3, down, 4, 5, down. That's all. बस इतना सा वार्म अप आप हमेशा करोगे जब भी कोई भी वर्कआउट कर रहे हो। इट मे बी 15 मिनट्स वर्कआउट और इट मे बी 30 मिनट्स वर्कआउट। यू नीड टू जस्ट रिपीट दिस वार्म अप प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव अ थम्स अप, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब नाउ एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, amandeep.rajput.75। आपको इसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन, यू कैन फॉलो मी देयर फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड यू कैन ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस इफ यू वॉन्ट। दीज आर लाइव ऑनलाइन क्लासेस दैट एनीबडी कैन ज्वाइन। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वॉन्ट टू ज्वाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।